हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट किया है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो फाइंड dy / dx इफ फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट वन इज √x + √y = √a। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस साइड नहीं, y = a to the power x + sin x, राइट। यहाँ पे y का टर्म अलग है, x का टर्म एक साइड में, y का टर्म एक साइड में, सो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन में टर्म्स है, x के साथ यहाँ पे y भी, तो कॉम्बिनेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलना है हमें? इम्प्लिसिट फंक्शन। जबकि ऐसा सेपरेट सेपरेट है तो एक्सप्लिसिट, जबकि दोनों भी कॉम्बिनेशन में तो इसको बोलना है इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सो 1/2 √x, सो 1/2 √x + रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 √y, बट y का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, दैट इज dy / dx इज इक्वल टू रूट ए, रूट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि यहां पे x का टर्म ही नहीं, x का टर्म नहीं तो क्या आएगा वो, दैट इज जीरो। सो यहां पे देखिए आप, चलो तो इसको क्या करना है हमें, देयरफॉर 1/2 √x ये जाएगा उस साइड में, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, दैट इज यहां पे क्या बचेगा, 1/2 √y * dy / dx इज इक्वल टू -1/2 √x, -1/2 √x, therefore dy / dx, dy / dx is equal to, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, सो -1/2 √x * एक्चुअली वो डिवाइड हो जाएगा बट इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम यहाँ पे 2 √y / 1, 2 √y / 1, 2 गेट कैंसिल, सो कितना बचेगा, therefore dy / dx is equal to -√y / √x, -√y / √x, तो ये वो आपका फाइनल आंसर फर्स्ट का। सो इतना इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड? सेकेंड क्वेश्चन इज x√x + y√y इज इक्वल टू 1, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है? x का पावर 1 * x का पावर रूट मींस कितना है, 1/2, सो अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस रूट x^n * x^n इज इक्वल टू x^m + n, दोनों का एडिशन, सो 1 + 1/2 मींस आएगा 3/2, 2 * 2 + 1 = 3/2 आएगा, सो x^ कितना है, इसका मतलब x^3/2, सो दिस इज इक्वल टू x^3/2 + y^2 आल्सो 3/2 इज इक्वल टू 1 is equal to 1. Now differentiate with respect to x, we get differentiate करने के बाद क्या मिलेगा आपको, x^n जैसा differentiate करना है, so 3/2 नीचे, x^3/2 -1 plus इसका differentiation 3/2 * y^3/2 -1 * derivative of y का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा, देयरफॉर 3/2 * x^3/2 -1, 2 * 1 = 2, -1 इज कितना 3 - 2, यहां पे देखो 2 * 2, 2 माइनस करना है 3 से आएगा 1/2 + 3/2 * y^2 आल्सो 1/2 * dy / dx * dy / dx = 0। अब dy / dx का टर्म रखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 √x + 3/2 * √y * dy / dx = 0, दोनों में कांस्टेंट कौन है, सॉरी कॉमन कौन है, 3/2 इज कॉमन, देयरफॉर 3/2 कॉमन कर लो यहाँ पे, देयरफॉर 3/2 √x + √y * dy / dx, √y * dy / dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ये जाके क्या हो जाएगा, √x + √y * dy / dx इज इक्वल टू 0, 3/2
इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो। सो यहाँ पे हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। सो रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या आएगा, प्लस का रूट एक्स से आ जाके माइनस रूट एक्स हो जाएगा। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट वाई, रूट वाई मल्टीप्लाई का तो डिवाइड हो गया। तो इस टाइप आपको करना था, इस सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना है, माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई, दिस इज दी फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दो क्वेश्चन हमने आप भी सॉल्व कर लिए, बहुत इजी थे, इजी इजी क्वेश्चन बहुत। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड सेकंड इज ओवर, देन थर्ड वन, एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू वन। इसको कैसे लिखना है, एक्स प्लस रूट एक्स इंटू वाई कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस वाई इक्वल टू वन। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वाई का, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या है रूट एक्स इंटू रूट वाई। सो u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो u एज इट इज मीन्स रूट एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई मीन्स वन अपॉन टू रूट वाई, एंड y का भी डिफरेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई एज इट इज, रूट वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, ओके, प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन प्लस कितना आएगा, दैट इज वन प्लस रूट एक्स इंटू वन, तो आएगा रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई इंटू वन, रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स प्लस डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म कौन कौन से, ये दो टर्म है, यहां लिखो इनमें से dy by dx कॉमन निकल गया, हम dy by dx कॉमन इसमें से और इसमें से, यहाँ पे क्या रहेगा रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है सीधा है वन, एंड प्लस यहाँ पे वन प्लस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जो डीवाई बाई डी एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखो, अदर जो टर्म्स है उसमें करने आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। चलो तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद कितना मिलेगा, देयरफॉर रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई प्लस वन इंटू डीवाई बाई डी एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ओके, तो माइनस वन वहां पे जाएगा माइनस ए बी, तो इज इक्वल कितना आएगा माइनस वन माइनस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स, माइनस हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन कॉमन कर लो तो आएगा वन प्लस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना आएंगे रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई प्लस वन, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन एज इट इज टू रूट एक्स इंटू वन टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय, इसका भी तो करो रूट एक्स प्लस टू रूट वाई अपॉन टू रूट वाई ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा यहां पे रेसिप्रोकल इसका। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहां पे देखो टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स इंटू टू रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस टू रूट वाई, ओके, सो टू टू गेट कैंसल, टू टू गेट कैंसल, दैट इज डीवाई बाई डी एक्स
इक्वल टू माइनस एंड रूट वाई, माइनस रूट वाई इंटू टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन, यहां पे देखोगे आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू रूट वाई प्लस टू रूट वाई. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का ये आंसर होगा फाइनल. जो क्वेश्चन नंबर फोर है तो उसको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है. कैसे करोगे आप, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे u इंटू v का रूल, यहाँ पे भी u इंटू v का रूल, एंड ठीक से करना है आपको. y का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा dy बाय dx, यहाँ पे भी इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे y स्क्वायर का तो क्या आएगा 2y इंटू dy बाय dx, यहाँ पे भी, एंड dy बाय dx के सभी टर्म्स कनेक्ट करके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट प्रोसेस करना है. सो द क्वेश्चन नंबर फोर क्या करना है आपको, दैट इज होमवर्क फॉर यू. क्वेश्चन नंबर फोर आप होमवर्क करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. बहुत इजी क्वेश्चन एंड बहुत सिंपल सा है, देखने में बहुत बड़ा है बट करने में बहुत इजी. ओके चलो, फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके अब अगर आप ऐसे करोगे आपको बहुत नींदी हो जाएगी, राइट. तो इसके लिए आपके आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू, उसी टाइप sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू. सो ये वाला फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, यहां पे यूज करना है. ये जो माइनस tan इनवर्स x है उसको शिफ्ट करो इस साइड में, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी कौन है cot इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके हाँ चलो, इसका क्या है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मीन्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के बदले कौन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So meaning same in, so its answer is pi by 2 according to this property. Now differentiate with respect to x we get. अगर मैं इसका differentiation ले लूँ तो d by dx of इसका differentiation करना है मुझे pi by 2 constant, ये constant का differentiation zero, u into v rule apply करो यहाँ पे. So x square as it is, y square का differentiation 2y into dy by dx. x square as it is, इसका derivative 2y into dy by dx plus y square as it is into 2x square का derivative 2x is equal to 0 is equal to 0. अब मैं ये property क्या करता, यहाँ से हटा देता, अब property का काम हो चुका है यहाँ. अब dy by dx का value find करना है आपको, याद करनी. चलो तो हम क्या करेंगे इसको, therefore 2x square y हो जाएगा dy by dx, और इसको क्या करो माइनस में कर दो, यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगी. ये वाला टर्म मैंने शिफ्ट किया टू एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिख देना हमें, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड टर्म को आज जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी राइट हैंड साइड का, माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई, टू टू कैंसिल बचेगा कितना माइनस एक्स, एक्स कैंसिल नीचे एक्स बचेगा, ऊपर का एक वाई नीचे का एक वाई कैंसिल, ऊपर एक वाई बचेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स. सो माइनस वाई बाय एक्स इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है फाइनल आंसर का. चलो हम और देखेंगे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दैट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एक्स वाई एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन. इसको क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट करना है. सो लिख लो यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे, u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, यहाँ पे लिखो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू e टू द पावर y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ
y into e to the power x is equal to किसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है। चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x as it is, e to the power y का डेरिवेटिव e to the power y, बट ऊपर जो y है उसका भी डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx। जैसे कि e to the power x का डेरिवेटिव कितना रहता है, e to the power x, एंड x का डिफरेंशिएशन 1, तो वैसे x as it is e to the power y का डेरिवेटिव e to the power y, बट y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस e to the power y as it is into x का डिफरेंशिएशन 1, ओके, प्लस y into फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट देने की जरूरत कुछ भी नहीं, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हैं आप, dy by dx वाले टर्म्स कलेक्ट करो। चलो क्या आएगा, यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे dy by dx, दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, x e to the power y आएगा, यहाँ पे आएगा e to the power x plus e to the power x into dy by dx into dy by dx plus e to the power y into 1 e to the power y plus y into e to the power x equal to 0 equal to 0। तो क्या आएगा ये, that is x e to the power y plus e to the power x dy by dx equal to ये हो जाएगा माइनस e to the power y माइनस y into e to the power x माइनस e to the power y माइनस y into e to the power x, therefore dy by dx equal to यहां से माइनस साइन कॉमन करो तो आएगा e to the power y plus y into e to the power x upon ये आएगा e to the power x plus x into e to the power y, तो ये हुआ आपका dy by dx। तो इस टाइप आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। ओनली आपको रूल अप्लाई करना है d by dx of u into v, अगर आपको u into v का रूल मालूम है तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ओके, डेरिवेटिव ऑफ u into v अप्लाई करना है, और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 में सभी कौन है एक्सप्लिसिट, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शंस, नॉट एक्सप्लिसिट, क्वेश्चन नंबर 3 में सभी इम्प्लिसिट फंक्शंस। और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक देखेंगे 9th, बाकी जितने भी क्वेश्चन बाकी ऑप्शन खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 अब होमवर्क करना है, ठीक है, 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, e to the power x minus y is equal to x by y is equal to x upon y। चलो इसको कैसे करना है, पावर फंक्शन का पावर है, फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन डबल, फंक्शन के पावर में अनदर फंक्शन है, तो क्या करते हैं हम, लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो यहां पे क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम इसका लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लॉग ऑफ e to the power x minus y is equal to log of x by y, so e to the power x by x minus y यहां आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, e to the power x minus y into log of e, इतना सारा क्वांटिटी मैंने क्या किया सामने लिया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है log of m raised to n is equal to n into log of m, so according to that formula, इसका क्या फॉर्मूला है, log of m by n is equal to log of m minus log of n, division है तो इसको लिखो log of x minus log of y, okay, चलो आप इसको differentiate करेंगे, differentiate with respect to और x step log e का value मालूम है, log e is equal to हमेशा कितना रहता है 1, so 1 into anything आएगा e to the power x minus y is equal to log x minus log y, okay, so e to the power x का डेरिवेटिव हमेशा रहता है e to the power x means e to the power x minus y, but into derivative of इसका लेना पड़ेगा x minus y का भी, log x का डेरिवेटिव 1 upon x minus log y का 1 upon y, but y का dy by dx, चलो तो कितना है
therefore e to the power x minus y into इसका डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का dy by dx इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इंटू dy by dx राइट। चलो ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर e टू द पावर x माइनस y इंटू 1 e टू द पावर x माइनस y माइनस e टू द पावर x माइनस y इंटू dy by dx into dy by dx is equal to 1 upon x minus 1 by y dy by dx okay। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे हम dy by dx वाले जितने भी टर्म्स हैं सभी को एक तरफ लेना है एंड अदर जो टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड में कलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दैट इज क्या फिर dy by dx कटा दें कि माइनस कटा दें या फिर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ओके। चलो तो हम इसको क्या करेंगे माइनस e टू द पावर x माइनस y इंटू dy by dx ओके इंटू dy by dx ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1 by y dy by dx इक्वल टू 1 by x as it is और ये प्लस का माइनस हो जाएगा 1 by x minus e to the power x minus y ओके okay। यहां से कॉमन कोण dy by dx कॉमन निकल तो क्या मिलेगा आपको 1 by 1 में पहले लिखता 1 by 1 y because this is positive minus e to the power x minus y दोनों में से dy by dx कॉमन is equal to यहां से 1 upon x minus e to the power x minus y ओके okay। चलो तो फिर बाद में क्या आएगा या इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 माइनस वाई इंटू e टू द पावर x माइनस y अपॉन y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू e टू द पावर x माइनस y अपॉन x ओके एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल टू एज इट इज 1 माइनस x इंटू e टू द पावर x माइनस y अपॉन x इंटू ये जो है डिवाइड हो जाएगा डिवाइड तो रेसिप्रोकल करना है डिवाइड है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर एंड ऊपर में नीचे 1 माइनस y इनटू e टू द पावर x माइनस y ओके कैंसिल कुछ होने वाला है यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू मैं पहले y लिख देता 1 माइनस x इनटू e टू द पावर x माइनस y अपॉन यहां पे x इनटू 1 माइनस y इनटू e टू द पावर x माइनस y ओके तो आगे आप कर सकते हो आप कुछ करना है तो x को मल्टीप्लाई y को मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो तो फाइनली इतना ही आंसर आएगा ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। सो मैंने क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बताया आपको जो 7 एंड 8 है क्वेश्चन नंबर 4 7 8 एंड जो लास्ट क्वेश्चन है 10 इतने सारे आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दीज आर दी होमवर्क टुडेज होमवर्क ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ में आया होगा आप फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए आपको आएगा 100% ठीक है। चलो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एवरीबॉडी।